Hi guys, welcome back to my channel Canadiallyindian. Thank you very much for all your love and support, guys. So guys, आज मैं एक और RNIP का प्रोग्राम लेके आया हूँ और आपको बताऊँगा एक और नई कम्युनिटी के बारे में. और ये जो वीडियो है एक सब्सक्राइबर डिमांड के ऊपर बनी गई है. मैं दूसरी कम्युनिटी के ऊपर फोकस कर रहा था, बट जस्ट बिकॉज एक सब्सक्राइबर ने पूछा मेरे से कि इस कम्युनिटी के बारे में बताना चाहिए मुझे, सो आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस. सो गाइज, ये जो कम्युनिटी है उसका नाम है Claresholm और ये पड़ती है अल्बर्टा के अंदर. सो गाइज, हर वीडियो की तरह मैं आपको इसके अंदर जो है पूरा वॉक थ्रू दूंगा कि आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या कम्युनिटी क्राइटेरियाज हैं और कितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, क्या क्या चीज करने के लिए. हर एक चीज मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर बताऊंगा. सो गाइस, जिसको आरएनआईपी के बारे में नहीं पता, उसके लिए मैं बता देता हूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड उसके अंदर मैं आपको पूरा प्रोग्राम समझाया था कि प्रोग्राम चलता कैसे और क्या होता है, कैसे होता है. तो गाइस, वीडियो यहां पे ऊपर भी स्क्रीन पे आप ऊपर एक लिंक फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां जाके देख सकते हैं उस वीडियो को और आप पहले समझ सकते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है जो यहां पे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स है. एंड गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड हिट द बेल आइकॉन्स मेरी सारी अपडेट्स के लिए गाइस. सो गाइस, बढ़ते हैं अब इस कम्युनिटी के ऊपर. और Claresholm अल्बर्टा जो है अल्बर्टा के अंदर पड़ती है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड इम्पैक्ट 2020 के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन नहीं ली गई हैं और जो इसकी जो प्रोफाइल है जो लोगों ने क्रिएट की है, कैंडिडेट प्रोफाइल की है, काफ़ी ज़्यादा की है. बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगा क्योंकि ऑल ओवर लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में अभी भी नहीं पता. सो ऑलमोस्ट 11,000 प्रोफाइल्स, यस गाइस, जस्ट 11,000 प्रोफाइल्स आर क्रिएटेड. सो आपके पास जो है 2021 में अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे अप्लाई करें. एंड अगेन गाइस, अगर आपके आइल्स के अंदर स्कोर कम है, अगर आपकी एज ज़्यादा है और बहुत सारी चीज़ें जो आपको रोक रही हैं, जैसे कि CRS आप नहीं मीट कर पा रहे बहुत बार अप्लाई करने के बाद भी, और आपके पास लो एजुकेशन है, तो आपके लिए जो ये प्रोग्राम है वो बेस्ट है. सो गाइस, अब मैं आपको पूरा वॉक थ्रू दूंगा वन बाय वन, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, कैसे पोर्टल क्रिएट करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको वॉक थ्रू दूंगा. सो गाइस, लेट्स गो ऑन एंड लेट मी शो यू कि इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कैसे करते हैं. सो गाइस, ये जो लिंक दिया है, ये लिंक के ऊपर आप जाएंगे, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं ये. सो इसके ऊपर आप जो है इस लिंक के ऊपर जाके आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है. बट हम बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इज़ दिस प्रोसेस के बारे में. तो सबसे पहली बात करें गाइस, जो फेडरल क्राइटेरिया चेक है और क्रिएट प्रोफाइल के बारे में, तो मैं आपको ये दोनों पहले ही बता दूँ. तो पहले सारी वीडियो के अंदर जैसे आगे बताया था, वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर का चाहिए, लास्ट 3 ईयर्स में नॉक 0 A B C D सारे अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन हाई स्कूल डिप्लोमा, जो है 0A को CLB 6 चाहिए, B को 5 और CD को 4, और आपको जो है थोड़े सेटलमेंट फंड्स भी दिखाने हैं. तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन मैं नीचे किया है, कम्युनिटी क्राइटेरियाज दिए गए गाइज. तो पोर्टल क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मीट करना भी बहुत ज़रूरी है. तो बेसिकली नॉर्मल क्राइटेरियाज हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे मीट करने हैं, बिकॉज इसके अंदर जो है आपके स्पाउस के बारे में दिया गया है, आपका मतलब जो पास विजिट्स के बारे में दिया गया है. तो क्राइटेरियाज आप कम भी मीट करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज जो कम्युनिटी है वो काफ़ी छोटी है और वो आपको वेलकम करने के लिए रेडी है. सो गाइस, अब हम बात करते हैं इस जो RNIP का पोर्टल है ये कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे. तो गाइस, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी इस पोर्टल के ऊपर अवेलेबल नहीं है, बट हम दूसरी Indeed.ca के ऊपर जाएंगे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ. पर ये क्रिएट कैसे करना है जो प्रोफाइल है, तो बहुत इजी है. आप इस लिंक के ऊपर जो है क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. सबसे पहले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में पूछा गया कि CLB 4 से आपका हायर है, तो आप उसको येस करेंगे और आपका रिजल्ट जो है लेस देन 2 ईयर्स का होना चाहिए वैलिड, और आप इसको कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर गाइस जब आप आएंगे, तो आपको जो है इसके बारे में आपका ECA के बारे में पूछा जाएगा कि आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा है कि नहीं है और आपका जो है 5 ईयर्स से कम होना चाहिए ECA, तो आप इस पर कंटिन्यू क्लिक करेंगे. नेक्स्ट, आप लीगली वर्क करने के लिए एलिजिबल नहीं है और यूजली लोग नहीं होते, तो आप यहाँ पर नो क्लिक करेंगे. प्रूफ ऑफ फंड्स आप जो है यहाँ पे येस क्लिक करेंगे कि आप इतना सपोर्ट कर सकते हैं अपने आपको, तो आप यहाँ पे येस क्लिक करेंगे. उसके बाद का इस फोर्थ के अंदर जो आपका जो मैं आपको बता रहा था 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास लास्ट 3 ईयर्स में, तो आप इसके ऊपर येस क्लिक करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट जो आता है गाइज, वो Claresholm के लिए आता है, आप यहाँ पे येस क्लिक करेंगे. सर्विस एंड आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, नॉर्मल चीज़ है. सो गाइज, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं अपनी यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप RNIP में इसमें अप्लाई कर सकते हैं. नॉर्मल चीज़ें पूछी गई हैं, लिखने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर सकते हैं और आपकी जो है प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी. इट्स दैट सिंपल गाइज. अब गाइज चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा बेसिकली आप जॉब कहाँ पे ढूंढने की, तो जॉब मैंने आपको जैसे बताया था, आप यहाँ पे Indeed.ca पे जाएंगे.
बहुत फेमस गाइज यहाँ पे जो है ये साइट है, आप इसके ऊपर जाके जो जॉब्स ढूंढ सकते हैं और गवर्नमेंट भी इसको रेकमेंड करती है। तो यहाँ पे हम अपनी जो कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे, फाइंड जॉब्स करेंगे, आप अपनी भी ढूंढ सकते हैं कि आप किस बारे में ढूंढ रहे हैं, पर मैं बेसिकली आपको दिखाऊँ काफ़ी सारी जॉब्स जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में। हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो भी है लेबर्स की जॉब निकली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी जॉब है, जो कि सी और डी में पड़ती है। फिर उसके बाद असेंबलर की जॉब है यहाँ पे, फाइनेंस मैनेजर की जॉब है, काफ़ी सारी जॉब्स है गाइस। सो आप इन जॉब्स के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं और सिर्फ इसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर ही अप्लाई करना गाइस। अगर आप अल्बर्टा में कहीं और अप्लाई करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, सो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। अब हम चलते हैं गाइस नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था, हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे दोबारा से। अब आप यहाँ पे एक बार जॉब मिल जाएगी तो आप अपनी जो है एक्सेप्ट कर लेंगे इस जॉब ऑफर को, और उसके बाद आपको जो है कम्युनिटी जो है रिकमेंडेशन मिल जाएगा एक बार ही आपको अगर है जॉब मिल जाएगी। अब डिस्कस करते हैं गाइस हम नेक्स्ट दो पॉइंट्स के बारे में जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। सो गाइस अप्लाई करनी है अब आपने PR जो है इस प्रोग्राम के अंडर, और उसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन आपकी ईज के लिए मैंने क्रिएट किया, जिसके अंदर मैं सारे के सारे जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना रखी है गाइस। आप जिस वो उस लिंक को क्लिक करेंगे आपको वो डॉक्यूमेंट जो है मिल जाएगा, एंड इट्स वेरी वेरी ईजी। उसके अंदर सिर्फ आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन पूछी हुई, आपकी पास हिस्ट्री पूछी हुई है, और हर वो चीज़ जो मतलब नॉर्मल है, तो आप उसके उस उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जा सकते हैं। सेकेंड चीज़ गाइस, उसके अंदर आप जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स भर लेंगे आपको जो है फीस भी पे करनी है गाइस। सो आप जो अपनी फीस पे करेंगे, यानी कि आपकी आपकी फैमिली की, अगर आपके स्पाउस या आपके किड्स हैं तो आप उनकी भी फीस जो है वो पे करेंगे, क्योंकि आपको नहीं आपकी पूरी फैमिली को जो है पीआर मिलेगी, यानी कि आपके स्पाउस को और आपके किड्स को जो आपके साथ पीआर मिलेगी। और उसके बाद जो है आपको मेलिंग एड्रेस जो है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे गाइस, यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप ये जो मेलिंग एड्रेस है आप इसके ऊपर जाके अपने इस पूरे का पूरा पैकेज फीस भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंटेशन पे मेल कर सकते हैं, और वो जो मेलिंग एड्रेस है गाइस मैंने इसको भी आपकी ईज के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर दिया हुआ है, आप वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पूरा का पूरा पैकेज जो है उनको सेंड कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने जब मैं आपको वॉक थ्रू दिखा रहा था तो आपने उसके अंदर एक और चीज़ देखी होगी कि आपको एक वर्क परमिट की ज़रूरत है। सो ये वर्क परमिट गाइस ऑप्शनल है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है थोड़ा सा लेंदी है, जैसे एक्सप्रेस एंट्री 6 मंथ्स के अंदर हो जाता है, इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, अराउंड 1 ईयर प्लस या 1 ईयर के आसपास लगता है। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को आपकी यहाँ पर जल्दी ज़रूरत है, यानी कि आपको चाहता है कि आप विद इन अ मंथ और टू आप यहाँ पर ज्वाइन करें, तो आपको जो है वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। और इसके ऊपर अगर आपको वर्क परमिट के ऊपर अप्लाई करने में अगर आपको जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसकी भी एक आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि वर्क परमिट कैसे अप्लाई किया जा सकता है और कितने टाइप्स के वर्क परमिट होते हैं। तो गाइस बेसिकली इस कैटेगरी के अंदर अगर आपको वर्क परमिट मिलता भी है तो वो जो वर्क परमिट होगा वो क्लोज वर्क परमिट होगा, यानी कि आपका जो एम्प्लॉयर होगा आप सिर्फ उसी के साथ काम कर सकते हैं, उसी पर्टिकुलर जगह पर काम कर सकते हैं और कहीं काम नहीं कर सकते। एंड गाइस, जो ये वर्क परमिट की वैलिडिटी होगी ये सब तब तक की होगी जब तक आपके पास PR नहीं आ जाता। एक बार आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी आ जाती है तब आप अपनी लाइफ यहाँ पे नॉर्मली, जैसे सारे परमानेंट रेजिडेंट बताते हैं, आप यहाँ पे बता सकते हैं। एंड आपका जो जितना भी क्या कहते हैं, जो भी आपको प्रिविलेजेस होती हैं यहाँ पे PR होने की, वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, होपफुली आपको जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है समझ आ गया होगा क्रिस्टल क्लियर। मैंने बहुत कोशिश की इसको बिल्कुल जो वॉक थ्रू से एकदम क्रिस्प समझाने की, होपफुली आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा। अगेन गाइस, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, थोड़ी नहीं बहुत मोटिवेशन मिलती है गाइस। एंड मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मतलब मेरी वीडियोज़ वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो इफ यू आर लाइकिंग माई इनिशिएटिव, एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर All my timely update, guys. Thank you very much, guys. And एक और चीज़ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं नीचे अपना इंस्टा और जो है फेसबुक छोड़ रहा हूँ। आप ते हैं अगर आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या यू नो मेरे से शेयर करनी है या कोई डायरेक्ट चैट करनी है मेरे से, आप मेरे को आके रीच आउट कर सकते हैं एंड आई विल चैट विद यू गाइस। बाकी और कोई भी क्विक रिस्पांस के लिए और कोई भी क्विक क्वेश्चन के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के, एंड आई विल जस्ट रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।